हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। हरप्पन सिटी धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, कल 27 जुलाई को 2021 यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग देता है बहुत सारी सिटीज को, ठीक है, कल हरप्पन जो सिटी है, ये बेसिकली हरप्पन सिटी है वन ऑफ द जो लार्जेस्ट और जो मोस्ट जो रिकग्नाइज सिटीज़ हैं हरप्पन सिविलाइजेशन की, तो इसको कल यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और बहुत कुछ जानने के लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं इस सिटी के बारे में, इसकी हिस्ट्री जानने वाले हैं, और किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, ये भी बहुत ज़रूरी जानना है, और इस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। और हम बात करेंगे कि टोटल साइट्स इस वक्त इंडिया में कितनी रिकॉग्नाइज की गई है यूनेस्को ने एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और साथ में ही हम ये भी देखने वाले हैं यूनेस्को का थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे, कब से ये शुरू हो गया, कब से ये हिस्ट्री चल रही है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, और कुछ की फैक्ट्स और हेरिटेज साइट्स के टाइप्स भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपको यहां से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से ही आज आपका वीडियो। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हरप्पन सिटी धोलावीरा, इस नाम को आपको याद रखना है। इट इज धोलावीरा सिटी इन गुजरात, गुजरात में ये है, और यहीं से आपको अगर एग्जाम कोई आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से ही आपको क्वेश्चन बन रहा है। सो ये आपको याद रखना है, धोलावीरा को 40th जो सिटी है इंडिया में टैग मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बाय यूनाइटेड नेशंस जो एजुकेशनल सोसाइटी और ये है, इसकी तरफ से साइट का टैग इसको मिल गया है। सो चलिए अब यूनेस्को, ये आप यूनेस्को बेसिकली इनका फ्लैग देख रहे हैं ये, और देखते हैं थोड़ा सा सिटी के बारे में। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे यूनेस्को ने एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने बताया है कि धोलावीरा, मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ, धोलावीरा ए हरप्पन सिटी इन इंडिया जस्ट इनस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसका नाम आ गया है, और ये एक यू नो इट्स अ थिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट। तो ये यूनेस्को का ट्वीट है जो कल हमको देखने को मिल गया, यूनेस्को का ऑफिशियल ट्वीट हैंडल है ये। तो चलिए देखते हैं आगे भी हमारे पास क्या है। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। धोलावीरा जो सिटी है गुजरात में है, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर। हरप्पन एरा की सिटी है और बहुत ही पॉपुलर सिटी है ये, गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग आफ्टर, और एक रिसेंटली जो टैग मिला था, ठीक है, वो मिला था रामप्पा टेम्पल को भी, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये कहाँ पे है, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है आपको The cultural site Dholavira, a Harappan city in Gujarat, has been inscribed on the UNESCO World Heritage List. Ancient city है ये, 27th of July को declare किया गया इसको as a 40th World Heritage Site in India. अब आपको बताना है कि world में total कितनी है, तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप इसको comment section में बता देना, ठीक है। ब्रिंग्स इंडियाज टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टू 40, तो टोटल इन इंडिया हेरिटेज साइट्स जो है वो है 40। धोलावीरा जो है ये सिटी है गुजरात में, सो फार हैज, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यानी यूनेस्को, रिसेंटली ही गुजरात ने, गुजरात में टोटल 3 साइट्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। गुजरात हैज कंट्रीब्यूटेड 3 हेरिटेज साइट्स टू द वर्ल्ड, दैट इज चंपनेर, ठीक है, एंड देन इज रानी की वा इन पटन एंड द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। 3 सिटीज फ्रॉम गुजरात है कंट्रीब्यूटेड टू द
हेरिटेज साइट्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। टोटल 3 है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फॉर अ यूपीएससी और एनी अदर पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन इज कंसर्न। यहाँ पे 44th जो सेशन है, अगर आपसे पूछा भी जाए, दिस इज द 44th ऑन गोइंग सेशन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो रिकग्नाइज करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को। ऑलरेडी गिवन न्यू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द फॉर्म ऑफ जो भी रिसेंटली ही और न्यू साइट्स इंडिया को डिक्लेयर किया गया, वो है रुद्रेश्वरा या रामप्पा। इसमें आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक है, टेम्पल कहाँ पे था आपको कमेंट सेक्शन में बताना था, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ आंसर भी अब। तो ये है गाइज आपका तेलंगाना में, विच डेट्स बैक टू 13th सेंचुरी। नेक्स्ट है ओके, धोलावीरा हरप्पन सिटी। मैं जो सिटी है इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट इन साउथ एशिया डेटिंग फ्रॉम 3rd टू mid 2nd millennium। ठीक है, बहुत ही पुरानी है, 2nd millennium BCE से इन साउथ एशिया। आपको पता है जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी, इसका मेजर जो पार्ट है वो पाकिस्तान की तरफ जो पार्टीशन के टाइम चला गया था, लाइक मोहनजोदड़ो, और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में रह गया था। और उसमें ये जो सिटी है धोलावीरा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ 5th लार्जेस्ट ऑफ द 8 मेजर हरप्पन साइट्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम पूरा डिटेल में ये चीजें देखने वाले हैं, वी डोंट वॉन्ट टू मिस एनी थिंग अबाउट इट। तो यहाँ पे डिस्कवर किसने किया था, इसको कब किया था, तो इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1967-68। यूजली 68 कंसिडर किया जाता है, अगर ऑप्शन में ऐसे भी दिया होगा 67-68 तो आपको यू हैव टू मार्क 68। किसने किया था, इट वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट JP जोशी ऑफ द ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड धोलावीरा इज द 5th लार्जेस्ट ऑफ द 8 मेजर हरप्पन साइट्स डिस्कवर्ड इन 1968। द साइट सेट अपार्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही मतलब फेमस ये है, पॉपुलर साइट है, वेल डेवलप्ड साइट है, इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स ए मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म, इसमें एडवांस बहुत थे हरप्पन सिविलाइजेशन की। आप लोगों ने बहुत NCERT में इन चीजों को पढ़ा होगा, ठीक है, यूज ऑफ बेरियल जो स्टोन्स थी, कंस्ट्रक्शन स्पेशल बेरियल स्ट्रक्चर्स इसमें होते थे, दे वे काइंड ऑफ एन बेसिकली जो अर्बन सिविलाइजेशन, इनको कहा जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन को। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिले हैं जो इन्होंने यूज किए हैं, लाइक ज्वेलरी इनकी कॉपर थी, शेल थी, स्टोन ज्वेलरी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, टेराकोटा गोल्ड ये यूज करते थे, आइवरी हैव बीन फाउंड एट द साइट। सो बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स यहाँ पे फाउंड किए गए, सो दे वर वेरी मच एडवांस एट दैट टाइम, बहुत सारे मेटल्स ये यूज करते थे, बहुत एडवांस इसका अर्बन स्ट्रक्चर्ड एक प्लान सिटी होती थी इनकी, सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी पॉपुलर। अब हम जानते हैं, सो दैट वाज ऑल अबाउट धोलावीरा साइट और हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम थोड़ा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी जानने वाले हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिकली एक लैंडमार्क होता है जिसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है, यूनेस्को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देता है, इसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्टर्ड बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इसको प्रोटेक्शन भी मिलती है, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर डिजिग्नेटेड बाय यूनेस्को, अगेन यूनेस्को इसको डिजिग्नेट करता है, हैविंग अगर इसमें कल्चरल सिग्निफिकेंस होगी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होगी, साइंटिफिक होगा या अदर इंक्लूडिंग नेचुरल सीनिक ब्यूटी होगी, उसको भी कंसिडर करते हैं यूनेस्को बेसिकली। इनफैक्ट ये सीनिक ब्यूटी के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेटर ऑन इसमें बहुत सारी और डायमेंशंस एड होते गए। द साइट्स आर जज टू कंटेन, जैसे इसमें कल्चरल नेचुरल हेरिटेज होगा अराउंड द वर्ल्ड, कंसिडर टू बी ऑफ आउटस्टैंडिंग, जो भी आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी प्रीवियसली रह गई होगी या अभी रिसेंट है, करंट में है, सो इसको हेरिटेज साइट का टैग दिया जाता है। नेक्स्ट, अगर किसी भी हेरिटेज साइट को क्या कंसिडर करते हैं, क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो इट शुड बी अ हेरिटेज साइट मस्ट
बी एज सम हाउ यूनिक लैंडमार्क, एक यूनिक लैंडमार्क होना चाहिए, ठीक है, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या नेचुरल ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइज, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा, ये बहुत ही डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप इनफैक्ट एनसीईआरटी से भी बिलोंग, अभी स्कूल में भी हैं, कॉलेज में हैं, और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस विल बी एनफ। और आपको इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे और कहीं मिलेगा। सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड, इसमें जो एंशियंट रूइंस, कोई मोनोमेंट होगा, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, सिटीज, डेजर्ट, फॉरेस्ट, आइलैंड, लेक्स, मोनोमेंट्स, ठीक है, माउंटेन्स और वाइल्डनेस एरियाज, ये सारे कंसिडर किए जाते हैं एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज ऑफ जुलाई, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम देखने वाले हैं कि कितने अभी तक टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है एज ऑफ जुलाई 2021। यहाँ पे अभी 1120 यानी 1120 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर, जिसमें इन टोटल इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में इंडिया में कितनी है, 40 टोटल है, इंक्लूडिंग द रिसेंट वन धोलावीरा, 40th है इंडिया में। सो इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टू द यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। इसमें टोटल 868 कल्चरल है, 213 यानी 230 नेचुरल है, एंड 39 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज है। इन तीनों के बारे में ये टाइप्स हैं, सो वी हम इस पे बात करेंगे लेटर ऑन। एग्जिस्ट इन 167 कंट्रीज विद 57 सिलेक्टेड एरियाज। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इटली इज द कंट्री विद मोस्ट साइट्स ऑन द लिस्ट। सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ पे पाई जाती है, दैट इज द कंट्री कॉल्ड इटली, ठीक है, यूरोप में है। इटली के बारे में बहुत सुना होगा आपने, ठीक है, सो इट टॉप्स द लिस्ट। नेक्स्ट है, साइट्स आर डिमार्केटेड बाय यूनेस्को एज प्रोटेक्टेड जोन्स। जब इनको डिक्लेयर किया जाता है, दे आर प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को थ्रू इंटरनेशनल कन्वेंशन एज प्रोटेक्टेड जोन्स। एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। दे आर प्रोटेक्टेड अंडर एन इंटरनेशनल ट्रीटी कॉल्ड कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल हेरिटेज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972। सो इफ दिस कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972, यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। द कन्वेंशन केम इनटू फोर्स ऑन 17th of December 1975 में ये जो है फोर्स में आ गया, और एज ऑफ जून इट हैज बीन रेटिफाइड बाय 193 स्टेट्स ने इसको अभी तक रेटिफाई भी किया है। सो इट अडॉप्टेड इन 1972 एंड फोर्स्ड इन 1975 एंड बाय 2020 इट हैज रेटिफाइड बाय 193 स्टेट्स इन टोटल, ठीक है, ओके। लेट्स नाउ हम कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी यहां पे जानने वाले हैं, कुछ की फैक्ट्स और इसके टाइप्स भी लास्ट में जानेंगे। सो स्टे विद द वीडियो, डोंट मिस मिस, आपको अलाउ नहीं करना है, मिसिंग इज नॉट अलाउड। द लिस्ट इज मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इट इज कंपोज ऑफ 21, जो एक कमेटी है, इट्स देयर इज अ कमेटी कॉल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो ये टैग प्रोवाइड करती है, टैग्स देती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, ठीक है। सो दिस कमिटी इज कम्पोज ऑफ 21 यूनेस्को मेंबर्स, यूनेस्को मेंबर्स 21 मेंबर्स कंपोज करती हैं ये कमेटी, विच आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, इनको इलेक्ट करती हैं। ईच वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिमेन्स पार्ट ऑफ द लीगल टेरिटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये जहां पे होता है उन्हीं की टेरिटरी होती है, उसी स्टेट का एक पार्ट होता है, उन्हीं की लीगल टेरिटरी ये रहती है। वेयर इन द साइट इज लोकेटेड एंड यूनेस्को कंसिडर्स इट, बेसिकली यूनेस्को इसको कंसिडर करता है एज एन इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, इसीलिए इसको प्रिजर्व किया जाता है एज ए प्रोटेक्टेड जोन। टू बी सिलेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मस्ट बी एन ऑलरेडी क्लासिफाइड लैंडमार्क, ये लोकली पहले लैंडमार्क होना चाहिए, क्लासिफाइड लैंडमार्क होना चाहिए बाय द सोवरेन स्टेट, यूनिक होनी चाहिए ज्योग्राफिकली, या हिस्टोरिकल आइडेंटिफाइबल प्लेसेस होंगी, ठीक है, स्पेशल कल्चरल डायमेंशंस इसमें होंगे, और कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी कंसिडर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को। फाइनली हम कुछ टाइप्स यहाँ पे देखें।
देयर आर थ्री टाइप्स, तीन टाइप्स होती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स। सो देयर आर थ्री टाइप्स इन टोटल। कल्चरल साइट्स जो होती है, इट इंक्लूड्स साइट्स इंक्लूड हिस्टोरिक कुछ बिल्डिंग होगी, ठीक है, टाउन सिटीज होगी, जैसे हरप्पन लाइक दैट, इजिप्ट में बहुत सारे जो प्लेसेस हैं उनको भी एज ए कल्चरल साइट्स बोला जाता है, या और कोई कहीं पे भी कल्चरल सिग्निफिकेंट होगा उसको भी एज ए कल्चरल टैग दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स होंगी एंड वर्क्स ऑफ मोनूमेंटल स्कल्पचर एंड पेंटिंग। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कल्चरल हेरिटेज साइट, इट्स एन आर्कियोलॉजिकल साइट, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट टू बी ए कल्चरल, ये एक टाइप आता है इसमें। नेक्स्ट होता है नेचुरल साइट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू नेचुरल एरिया, जो नेचुरल सीनिक ब्यूटी होती है उसको कंसिडर किया जाता है एज ए नेचुरल हेरिटेज। फिर मिक्सड आती हैं, कंटेन एलिमेंट ऑफ बोथ नेचुरल एंड कल्चरल।